अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलीहा अहमद, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। आज हम मौजूद है वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी कोटा कैंपस में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है एग्ज़ाम के हवाले से, जिसमें हम एग्ज़ाम के हवाले से स्टूडेंट से कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे उनसे उनके कुछ तासुरात। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट की जानिब और करते हैं उनसे कुछ सवालात। जी तो आइए बात करते हैं इन स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मनाहिल मंजर है। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? बीएस फर्स्ट ऑफ फाइन आर्ट्स। पेपर की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? मैंने तो अपनी सेल्फ स्टडी की है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ तक कम्बाइन स्टडी की बात है तो वेकेशन चल रहे थे। एक्सपेक्ट क्या करती हैं आपके आपके एग्ज़ाम टफ होंगे कि ईजी होंगे? हमने जहाँ तक सीनियर से सुना है तो वो लोग तो कह रहे थे कि यहाँ तो पर एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अपना एग्ज़ाम बेस्ट दें। तो बात करते हैं एक और स्टूडेंट के साथ और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुंबल शाहीन है। सुंबल, आप मुझे ये बताइए कि आपकी आपके ख्याल में ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा है या फिज़िकल? मेरे ख्याल में तो फिज़िकल एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हम टीचर के साथ भी डिस्कशन करते हैं और अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ भी बैठकर ग्रुप में जो डिस्कशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हो और टीचर के साथ हो तो पेपर बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाता है, हल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो फिज़िकल एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में ऑनलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें एक तो लाइट के इशू होते हैं कि लाइट चली गई और स्टूडेंट को प्रेशर होता है अभी लाइट चली जाएगी, या फिर हमें डेटा की प्रॉब्लम होते हैं कि डेटा ख़त्म हो गया है, या फिर इंटरनेट इशू होते हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा नहीं है। सुंबुल, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो विंटर वेकेशन गुजरी है उसमें आपकी तैयारी किस तरह थी? आपने कुछ तैयारी की है पेपर्स के लिए? जी बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है, इंशाल्लाह पेपर अच्छी तरीके से देंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि हमने ग्रुप डिस्कशन भी किया है, टीचर्स के साथ भी डिस्कशन किए, टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से पेपर क्लास भी ली है, हमने बहुत पार्टिसिपेशन क्लास में किए, तो इसलिए इंशाल्लाह हमने इस वेकेशन में जो है ना हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया है। कोविड-19 में जहां सारे स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनके स्टूडेंट्स ने फिज़िकल पेपर दिए हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे कि इनके डिपार्टमेंट में ऐसी क्या खास वजह है जो इन्होंने फिज़िकल एग्ज़ाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? नाज़नीन कासिम। नाज़नीन, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्यों मतलब फ़िज़िकल एग्ज़ाम दिए हैं? एक्चुअली हमारा काम प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, बाकी मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका थियोरेटिकल वर्क होता है, हमारा काम प्रैक्टिकल वर्क होता है। मतलब हमारा फैशन एंड डिज़ाइनिंग है, तो हम जब प्रोसेस करते हैं, हम पहले मतलब फॉर एग्जांपल अब हम एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो हम उसके लिए पहले पैटर्न बनाते हैं, फिर उसको उसके मुताबिक कटिंग करके फिर स्टिच करते हैं, तो हमें इस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। इस वजह से हमारा जो एग्ज़ाम था वो हमारा फिज़िकल था, क्योंकि हमारा एक काम तो ये कि हमारा काम घर में नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी चीज़ वो तो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं ना, मतलब जूम पे लेक्चर्स ले लेते हैं, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, इसे हम अपना जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें उस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं, मतलब हम स्टिचिंग कैसे कर रहे हैं, हमने पैटर्न खुद बनाया या नहीं बनाया, तो हम इसलिए मतलब इधर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे ताकि हम अपनी टीचर्स के सामने वो कर ले, ताकि हमारे टीचर्स को पता चले, हमारे वर्क का पता चले। और मेन पॉइंट हमारे पास यही है कि हमारा काम प्रैक्टिकल वर्क होता है, मतलब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो इसी वजह से वो घर में नहीं हो सकता, हम यूनिवर्सिटी आते थे, हमारा एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होता था और बाकी जो हमारे थ्योरेटिकल पेपर्स थे वो हमारे ऑनलाइन हुए थे। थैंक यू नाज़नीन। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। मैं वकार अहमद, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोविड-19 और 20 में तो एग्ज़ाम ऑनलाइन थे और अब चूंकि फिज़िकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों के क्या इकदाम हैं? ये तो अभी तो हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो एफिलिएटेड कॉलेज पे होता है, यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं तो वो टीचर जी वो कंडक्ट करते हैं, हम सिर्फ उनको स्टेशनरी, अगर फिज़िकल एग्ज़ाम है तो उनको हम स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं और वो हमें रिज़ल्ट सबमिट करते हैं, फिर भी हम उनको गाइडलाइंस देते हैं, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो फिर हम उनको गाइडलाइंस देते हैं ताकि स्टूडेंट के पास अपने जो गैजेट्स हैं
यानी कोई लैपटॉप वगैरह उनके पास हो, ये मोबाइल वगैरह, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इस पे हम फोकस करते हैं कि जिस टाइम पेपर हो उस टाइम उनके पास ये अवेलेबिलिटी हो। फिज़िकल एग्ज़ाम तो हमारे लिए आसान होता है क्योंकि उनमें स्टूडेंट्स के को प्रॉब्लम नहीं होते, वो आ जाते हैं, स्टूडेंट्स इधर एग्ज़ाम दे देते हैं और हम फिर उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। हम ज़्यादातर जब एग्ज़ाम फिज़िकल होते हैं तो फिर हम ये कॉलेजेस में हम उनके लिए पहले से वो प्रिपरेशन करते हैं, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, उनकी पेपर सेटिंग, पेपर ग्रेडिंग, ये सारा हमारा होता है। तो फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा वो प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी भी ये BS का एग्ज़ाम है 14 फरवरी से, 3 कॉलेजेस में है, GGDC मरगुज़ में है, मानेरी के, इसके तकरीबन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स उसमें अपियर हो रहे हैं। तो उसके लिए हम अभी से हमने शेड्यूल बनाया है, उनका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल बनाया है, उनके लिए हम स्टेशनरी वगैरह हमने अभी सारा वो मुकम्मल की है ताकि उनको हम टाइमली प्रोवाइड करें, और वो पेपर सेटिंग भी हमने अभी से शुरू की है। तो उसके लिए तो हमारे यानी वो इकदाम अभी जारी हैं और इंशाल्लाह अभी उसी वक्त पे होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि NCOC हमें फिर क्या कहेगा क्योंकि ओमिक्रॉन का भी लेवल और बढ़ रहा है। तो अगर फिज़िकल भी हो या ऑनलाइन हो, हम यानी वो स्ट्रेटजी हमारी वो जारी रहती है और वो हम यानी तैयार है उसके लिए, दोनों बोर्ड के लिए तैयार है। सर, अगर ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा हो गए तो क्या आप लोग जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर लेकर जाएंगे? असल में ये फैसला तो NCOC करती है, NCOC फिर वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको कहती है कि आप ऑनलाइन करें या फिज़िकल करें ना, तो वो जब उनका डिसीजन आएगा तो अकॉर्डिंगली फिर हम भी, अगर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन करें तो फिर हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन फिज़िकली भी हम तैयार है। अगर फिज़िकली हो तो हम यानी उसको बेहतर स्टूडेंट्स के लिए बेहतर समझते हैं कि क्लासेस फिज़िकल हो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि हमारे बाज़ इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान में जिस तरह GIK हैं, NUST है, वो सही ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, यानी उसमें वो चीटिंग का वो कम होता है, रेशो कम होता है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन हमारा जो और इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है। फिर हमारे स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज से आते हैं, या अगर वो घर में होते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, उनके पास ये मोबाइल वगैरह नहीं होते एंड्राइड, तो उनके मसले होते हैं। फिर हमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको फैसिलिटेट करें, फिर हम उनसे कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ आएँ और यहाँ पे इनका, तो वो फिर मसले उसमें ज़्यादा है ऑनलाइन में, फिज़िकल में इतने मसले नहीं है। और यह है कि फिज़िकल में यह है कि स्टूडेंट्स भी अपना वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपने आइडियाज़ और सही कर लेते हैं, उनको ये डर नहीं होता कि अभी बिजली चली जाएगी, इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो इन चीज़ों से भी वो एग्ज़ाम उन पर प्रेशर आता है एग्ज़ाम में, तो वो अपना वो क्रिएटिविटी उसमें वो नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप पीस ऑफ माइंड हो आपका, जो फिज़िकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हुआ यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्ज़ाम वो सही दे सकते हैं और उसकी चेकिंग भी बड़ी आसान होती है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आप स्टूडेंट को क्या पैगाम देंगे एग्ज़ाम के हवाले से? स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, क्योंकि वो अगर फिज़िकली एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम उनके लिए फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी से वो यही सोचेंगे कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है और फिर अगर फिज़िकल एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि अभी से फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।